दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिलिंग इनवॉइसिंग के बारे में कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनी में बिजनेस करते हैं तो आप किस तरह से अपने कस्टमर का बिल जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सेल के थ्रू बताने वाला हूं 10 मिनट में कि आप अपने कस्टमर के लिए बिल किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अगर आपको कस्टमर के लिए बिल जनरेट करना है या फिर अपने सिस्टम पे बिल डिजाइन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। आप चाहो तो मैं जो फील्ड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस तरह से दिखा रहा हूँ, आप उसी तरह से कीजिए। आप अपने सिस्टम पे एक प्रोफेशनल इनवॉइस कस्टमर के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो को देख करके ही आपको ये जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी YouTube पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरह से आप इनवॉइस कस्टमर के लिए डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर के लिए इनवॉइस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बिजनेस करते हैं तो आप उसको अपने पेमेंट के लिए एक बिल देते हैं, जिस बिल के हिसाब से आपको पेमेंट आपके कस्टमर के द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही बिल डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर कोई भी इनवॉइस इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे कि मैं आपको सिंपली दिखा सकता हूँ कि आप इस डिजाइन को ही अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई डिजाइन नहीं किया होगा तो मैं आपको सिंपली एक बिल डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं इनवॉइस। इनवॉइस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे करते हैं फाइंड। फाइंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइसेस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं और सर्च करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई लॉजिस्टिक का इनवॉइस है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी लॉजिस्टिक का इनवॉइस मुझे नहीं दिख रहा है। और दिख क्या नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी लॉजिस्टिक का इनवॉइस नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं आपको पर्सनली एक इनवॉइस जनरेट करके दिखाऊंगा, एक डिजाइन करके दिखाऊंगा। जब आप किसी कस्टमर को वो इनवॉइस दोगे तो कितना प्रोफेशनल लगेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों करना है कि आपको एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या और किस तरह से करना है यहाँ पे मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले आपको यहाँ पे कुछ फील्ड सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एक फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। रो और जो कॉलम होता है उसको मैं सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे इनवॉइस बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं एरिया, कुछ एरिया जहाँ पे कि मैं कस्टमर का नाम लिख सकूं। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम। मान लीजिए कि मेरा है आर के ट्रांसपोर्ट के नाम से हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का नाम आर के ट्रांसपोर्ट हो। आर के ट्रांसपोर्ट लिखने के बाद इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करके इसको एक प्रोफेशनल लुक देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके लिए इनवॉइस किसी भी कस्टमर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको उसी के हिसाब से डिजाइन करना होगा। यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस। इसके साथ ही आपको अपना GST अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको पैन कार्ड का डिटेल दोस्तों यहाँ पे देना होगा। तो हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि एड्रेस मेरा करंट एड्रेस हो, बट आप अपना यहाँ पे जो एक्चुअल एड्रेस होगा आपका वही आप दीजिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एड्रेस लिख देता हूँ। ये दोस्तों एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं ताकि कस्टमर को थोड़ा सा आसानी हो सके। थोड़ा सा जब आप मोबाइल नंबर लिखते हैं तो थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल रखने का कोशिश कीजिए। +91 जरूर लगाइए क्योंकि +91 जो है आपके कंट्री मतलब कि इंडिया का कोड है। और यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देना है अपना पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आपको पैन नंबर का जरूरत होता है। तो यहाँ पे आप पैन नंबर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऊपर का हेडर, ये आपके ट्रांसपोर्ट का नाम हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। थोड़ा सा इसको और लुक आपको देना चाहते हैं तो आप इसको लुक एंड फिट थोड़ा सा बेटर दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं इसको थोड़ा सा डार्क हम लोग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये लुक जो है अच्छा दिखे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मुझे कस्टमर का डिटेल फिल करना है।
मतलब कि जिसको हम लोग बिल कर रहे हैं उसका नाम मुझे यहाँ पे देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कस्टमर नेम, और ये जगह छोड़ देते हैं दोस्तों कस्टमर के पूरे नेम के लिए। अब यहाँ पे देते हैं दोस्तों कस्टमर का एड्रेस के लिए थोड़ा सा जगह। अब थोड़ी सी जो चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देना है कस्टमर का जीएसटी नंबर, कस्टमर के जीएसटी नंबर के लिए इतना स्पेस छोड़ सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे आपको देना है थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे छोटा रखिए। यहाँ पे देना है बिलिंग लोकेशन, जो भी बिलिंग लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पे दोस्तों देना है। तो ये बिलिंग लोकेशन में आपका सिटी आएगा, क्योंकि सिटी जो है आपके जीएसटी बिल को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे देना है दोस्तों बिल का डेट, पहले हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको डिजाइन करके इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे ताकि ये चीज थोड़ा अच्छी दिखे। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे में आते हैं, यहाँ पे देते हैं इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर दोस्तों एक्चुअल में जो आप बिल जनरेट करेंगे उसका इनवॉइस नंबर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देना होता है स्टेट ऑफ सप्लाई, जहां से आपका जो है सप्लाई हो रहा है, जहां से कस्टमर सप्लाई कर रहा है, जहां से बिल जनरेट होना है उसका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल बिल के लिए दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो है लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों एसएससी कोड, इसको दोस्तों बोलते हैं सैक कोड, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, वो कोड आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा जगह छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ये इनवॉइस एक अच्छा सा इनवॉइस दिखे, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे दोस्तों आएगा आपका एलआर नंबर, यहाँ पे आएगा दोस्तों एलआर डेट। एलआर नंबर एलआर डेट दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एलआर नंबर एक्चुअल में आपका बिल्टी नंबर होता है, एलआर डेट आपका बिल्टी डेट होता है। यहाँ पे आएगा दोस्तों कहाँ से गाड़ी लगी है, मतलब कि फ्रॉम सिटी। यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका टू सिटी। यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका भाड़ा, मतलब कि आपका फ्रेट। यहाँ पे अदर चार्जेज आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका हैंडलिंग चार्ज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंडलिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना होता है डिटेंशन, क्योंकि डिटेंशन भी जरूरी है। और यहाँ पे होता है दोस्तों आपका टोटल फ्रेट। ये दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मेट हो गया, थोड़ा सा इसको हम प्रोफेशनल लुक पहले दे देते हैं फॉर्मेटिंग करके, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। इन सारी चीजों को दोस्तों आप फॉर्मेटिंग करके इसको एक बेटर लुक दे सकते हैं, ताकि आपका जो इनवॉइस हो वो थोड़ा अच्छा दिखे, और कस्टमर के सामने आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, आपका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा बढ़ सके। अब इसको दोस्तों क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे लाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। जितने टाइम्स आप चाहे इसमें डॉकेट को ऐड करना चाहते हैं उतने टाइम आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आज आपको एक प्रोफेशनल बिल बनाने का आइडिया मिलने वाला है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और करते हैं और इसको अंडर कवर करते हैं, मतलब कि यहाँ पे अंडरलाइन देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें भी थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि ये भी सही दिखे। ये ऊपर के पार्ट को भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे लेते हैं हम टोटल अमाउंट, इसके बाद इसके नीचे लेते हैं हम लोग जीएसटी चार्ज। आप चाहे तो जीएसटी चार्ज कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेते हैं दोस्तों बिल टोटल। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, सॉरी यहाँ से इसको मर्ज कर देते हैं ताकि ये सब थोड़ा सही दिखे। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने जीएसटी परसेंट लिखा है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको 5% देना है तो 5% कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे 18% देना है तो 18% कर सकते हैं, अगर आपको 12% देना है तो 12% कर सकते हैं। डिपेंड आपके बिजनेस के हिसाब से करता है कि आपको देना कितना है। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके हम थोड़ा सा इसमें डिटेल्स फिल करके देखते हैं कि कितना बेटर दिख सकता है और किस तरह से आप बिल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं 1, एलआर नंबर यहाँ पे हम कुछ इस तरह का डाल दिए, एलआर डेट मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का डेट है, एलआर सिटी जहाँ से उठा है तो ये मान लेते हैं कि दिल्ली से जा रहा है मटेरियल,
दिल्ली से दोस्तों जा रहा है पटना, फ्रेट में मान लेते हैं 12,000 रुपया है, हैंडलिंग चार्ज मान लेते हैं 1,000 रुपया है, डिटेंशन चार्ज मान लेते हैं 1,000 रुपया है, और फ्रेट जो है टोटल फ्रेट ये तीनों का सब टोटल होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे इसको हम इसको सही से दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं डबल डिजिट देते हैं जीरो का। अब नीचे आते हैं, नीचे में क्या है टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट में हम फॉर्मूला लगाते हैं और ये सारे को ऐड करते हैं। मानते हैं कि जीएसटी यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, इसका 5% फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा आप लोगों के काम में आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है इसको ऐड कर देना है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग भी दोस्तों आप लोग सही कर सकते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे वर्ड में लिख सकते हैं, ये दोस्तों थोड़ा सा आपको जो है प्रोफेशनल लुक देता है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे अलग कलर में कर देंगे ताकि थोड़ा अलग दिखे, इसको हम थोड़ा सा रैप कर देंगे ताकि जितना बड़ा हो यहाँ पे दिख सके। ये तो दोस्तों आपका हेडर हो गया अमाउंट से रिलेटेड। ऊपर में क्या करते हैं, मानते हैं कस्टमर का नाम है बालाजी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है C41 कीर्ति नगर दिल्ली, कुछ इस तरह का हो सकता है। जीएसटी नंबर जरूरी नहीं कि जो मैं जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ वो कहीं दिल्ली में फिक्स भी करता हो। बिलिंग लोकेशन दिल्ली, इनवाइस डेट मान लेते हैं इनवाइस डेट है आपका 28/3/2021। कस्टमर इनवाइस नंबर है कि इनवाइस नंबर हम लोग दे देते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का जो है आप लोग फॉर्मेट रखिएगा। ये थोड़ा सा आपका जो है प्रोफेशनल फॉर्मेट लगता है, कैसे थोड़ा सा वो मैं जानकारी दे देता हूँ। BL जो आपका ये BL है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आए। BL आपको दर्शाता है कि ये बिल है, DL दर्शाता है दोस्तों कि ये किस लोकेशन को बिलोंग करता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ज़्यादातर के लोग जो है यही सारी चीज़ों में गलती करते हैं। 2021 जो है ये आपको दर्शाता है कि किस फाइनेंशियल ईयर से ये बिलोंग करता है। इसके बाद लास्ट का जो ये 4-5 डिजिट होगा ये आपको दर्शाएगा कि एक्चुअल में आपका जो ये बिल है ये बिल नंबर है क्या। तो कुछ इस तरह का दोस्तों आप लोग बिल नंबर यूज कीजिएगा ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल दिख सके। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ सप्लाई दिल्ली, सैक कोड दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सैक कोड डालना होता है। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का सैक कोड क्या है, तो वो कोड आपको जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन का आपको सैक कोड डालना है। गूगल पे आप लिखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन सैक कोड, तो आपको दिखा देगा कि ये कोड क्या है और उस कोड को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि इसका जो सैक कोड है वो कोड है 996511। एक बार आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और ध्यान रहे सैक कोड जब भी आप लिखिएगा तो इसको आप लोग हमेशा बोल्ड रखिएगा। अब दोस्तों ये जो है ये आपका एक बिल तैयार हो गया और ये आप कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें आप चाहे तो अपना फील्ड एक अलग से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फील्ड ऐड करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ये फील्ड ऐड हो जाए तो आपको कुछ नया चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा सकूँ, और इससे थोड़ा सा आप लोगों को भी आसानी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फील्ड ऐड किया है, छोटा सा ही फील्ड ऐड किया है, और इस तरह से आप भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ व्हीकल नंबर, पॉसिबल है कि व्हीकल नंबर हो सकता है बिल के अंदर, बहुत सारे कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप FTL का बिजनेस करते हैं तो ये बिल जो है आपका खास करके FTL के लिए ज़्यादा है। आप इसको पार्ट लोड में भी यूज कर सकते हैं बट FTL में आप ज़्यादा करके इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका व्हीकल नंबर क्या है, तो हम मान लेते हैं कि व्हीकल नंबर है HR55Z, कुछ ये व्हीकल नंबर है जो कि यूज होना है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हीकल टाइप,
ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर FTL का बिजनेस है तो आपसे कस्टमर व्हीकल टाइप भी बिल में मांगता है, ट्रक टाइप भी बिल में मांगता है, तो आप यहाँ पर ट्रक टाइप भी ऐड कर सकते हैं और ट्रक टाइप ऐड करके बिल कस्टमर को दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रक टाइप एक ऐड करते हैं और ये ट्रक टाइप ऐड करके एक प्रोफेशनल बिल बनाने का कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रक टाइप डालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 टायर ओपन। अब ये जो है दोस्तों, ये आपका एक बन गया है प्रोफेशनल बिल। अब इसको आपको चाहे तो आप PDF बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं। PDF बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा PDF में, आप देख सकते हो यहाँ पे है। बट पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका पेपर्स वगैरह या सेटिंग्स वगैरह को देखना है कि ये ठीक से प्रिंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे दो पेज में दिख रहा है और यहाँ पे जो ये बिल है थोड़ा सा आपका कट रहा है, दूसरे पेज में आ रहा है। तो इसको क्या करना है आपको, लैंडस्केप, ये आपको पोर्ट्रेट में होता है, इसको आपको उठा करके लैंडस्केप में करना है। लैंडस्केप में करने के बाद थोड़ा सा आपको इसमें मार्जिन का सेटिंग करना है, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा कट रहा है। तो मार्जिन में सेटिंग करने के लिए आपको नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक करना और कस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा जो मार्जिन है वो आपको कट कर देना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कट कर देता हूँ ताकि ये बिल थोड़ा सा सही से सेट हो सके और एक पेज में नज़र आ सके। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल जो है एक पेज में नज़र आ रहा है और आपको देख करके भी लग रहा होगा कि ये बिल जो है प्रोफेशनल बिल लग रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट PDF में सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में दोस्तों इसको हम सेव कर देते हैं, जिस भी नाम से आपको करना आप कर सकते हैं, और इसका आप लोग अपने पास कॉपी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके टैक्स रिटर्न में फाइल में काम आएगा, आपके जितने भी GST से रिलेटेड काम होते हैं उसमें काम आएगा। तो ये दोस्तों हमने इसको सेव कर दिया। अब एक बार चल करके हम देखते हैं कि हमारा ये बिल जो है किस तरह का बना और किस तरह का दिखता है। तो दोस्तों ये हमारा बिल ओपन हो रहा है और ये आप देख सकते हैं कि जो बिल है ये कितना एक प्रोफेशनल बिल के जैसा दिख रहा है। और इसको आप किसी भी कस्टमर को सबमिट करते हैं तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है और ना ही कोई कुछ वहाँ पे बोलता है और आपके कंपनी का एक अच्छा खासा इमेज वहाँ पे बना रहता है। तो दोस्तों ये तरीका था जहाँ पे कि आप एक प्रोफेशनल बिल फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं इस बिल फॉर्मेट को अपने गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इसके बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस में इस फॉर्मेट को रन करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।